राज्य किसान सैनिक एकता मंच ने शुगर मिल प्रबंधन से चर्चा कर किसानों से जुड़े मसलों को उठाया। इस वार्ता के बाद किसान संगठन और मिल प्रबंधन दोनों खुश नजर आए। राज्य किसान सैनिक एकता मंच के पदाधिकारी एवं क्षेत्र के किसानों का प्रतिनिधि मंडल शुगर मिल अधिशासी निदेशक दिनेश प्रताप सिंह से वार्ता की और शुगर मिल के वर्तमान परिस्थितियों के विषय पर चर्चा की गई, जिसमें अधिशासी निदेशक द्वारा बताया गया कि शुगर मिल पूर्णतः तैयार है और जल्द इसे शुरू कर दिया जाएगा। विगत वर्ष के अनुभव के साथ साथ इस वर्ष भी शुगर मिल को एक उच्च स्तरीय तरीके से चलाया जाएगा और किसानों की सभी तरीके की समस्या का समाधान किया जाएगा। मिल प्रबंधन ने बताया, सभी क्षेत्र के गन्ना सेंटर कंप्यूटराइज कर दिए गए हैं और ये जो प्रयास है हमारे मिल कर्मियों का प्लस हमारे जीएम साहब का, जिन्होंने इतनी तेजी से और इतनी जल्दी से इस कार्य को कराया, भगवान इनकी जो इस मिल को ये सेवाएं दे रहे हैं इन्हें ऐसे ही चलाए रखे और हम जो यहाँ के क्षेत्र के किसान हैं इसका फायदा उठाते रहें और इनके प्रयासों से इस बार जो रिजल्ट हैं और अच्छे आने की, पिछले साल से भी अच्छे आने की संभावना है, ये मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। कि जो पिछले वर्ष की जो थोड़ी बहुत मूल सुविधाएं किसान के प्रति थोड़ी बहुत कमी रही उसको और अच्छी प्रकार से सुधार करते हुए स्थानीय किसानों को विविधता दी जाएगी और ये इसका रिजल्ट आपके गन्नों से और जो यहाँ के वर्कर हैं और हमारे अधिशासी निदेशक के द्वारा बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा और हमें बहुत उम्मीद है किसानों को, हमें भी, और किस फैक्ट्री हमारी बिल्कुल तैयार है और किसान भी हम सब तैयार है गन्ना। मुख्यतया जो उनकी मांगे हैं वो पूर्व से भी हमने पूरी कर रखी हैं। किसी भी तरीके से उनके द्वारा ये नहीं कहा गया है कि ऐसा कुछ स्पेशल होना चाहिए, क्योंकि वो भरोसा रखते हैं और उनका कहना ये था कि हमारी अपेक्षाओं के अनुरूप ही यहाँ पे किसानों के हितों की बात की जाती है। इस प्रकार उनसे वार्ता करने के बाद जो उनकी अपेक्षाएं हैं, मेरा प्रयास रहेगा कि उस पर मैं खड़ा उतरूं। चुनावी शोर में दब जाते हैं कई बार असल मुद्दे, अनसुना किया जाता है जनता की आवाज, स्वागत की बंधनवारों के पीछे का सच, शिलान्यास के पत्थरों से पथराई आंखों की हकीकत। हमारे साथ दखल न्यूज पर। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।